इस सर्किट के नाल असी विद्यार्थियों नू चालक अते रोधक दे बारे समझा सकते हैं। सर्किट तैयार करने के लिए जरूरत है एक बैटरी की, एक LED की। बैटरी के धन टर्मीनल तो जो तार निकलती है वह LED के धन टर्मीनल नाल जुड़ी जाती है। रिंग टर्मीनल तो निकलती हुई तार इस सिरे तक जाती है अते LED के रिंग टर्मीनल तो भी निकलती हुई तार दूसरे सिरे तक जाती है। इन दोनों के विचकार कोई संपर्क नहीं है, इसलिए ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा अते ना ही ये LED जग रहा है। मेरे को ये थोड़े जे पदार्थ हैं जिन्हों असी देखना है कि ये चालक हैं या रोधक। सब तो पहला ये वॉल पेन का रिफिल है, इसनों मैं इन दोनों टर्मीनलों के विचकार रखता हाँ, तो तुसी देख रहे हो कि ये LED नहीं जग रहा है। हुण मेरे को ये सूई है, इसनों भी मैं इन दोनों टर्मीनलों के विचकार रखता हाँ, तो देखता हाँ कि ये LED जगन लग पैंदा है। उस तरह ये टूथपिक है, इसनों भी टर्मीनलों के विचकार रखता हाँ, तो देखते हाँ की हुंदा है, ये LED नहीं जग रहा है। उस तरह ये चौथा पदार्थ है जो कि एक धात की पत्ती है, इसनों भी टर्मीनलों के विचकार रखण ते ये बल्ब जगन लग पैंदा है। इस तरह असी देखिया कि कुछ पदार्थों के नाल ये बल्ब जगदा है जा LED जगदा है अते कुछ पदार्थों के नाल LED नहीं जगदा। जिन्हां दे नाल LED नहीं जगदा तो उस तो ये पता लगता है कि उन्हां दे विच बिजली धारा प्रवाहित नहीं हो रही, भाव वह रोधक हैं। अते जिन्हां दे विचों दी बल्ब जग पैंदा है उसका मतलब है कि उन्हां दे विचों बिजली धारा प्रवाहित हो रही है, तो वह चालक हैं। इस क्रिया के नाल असी विद्यार्थियों नू चालक अते रोधक दोनों पदार्थों बारे चंगी तरह समझा सकते हाँ।